नमस्कार मेरे दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही खास रहने वाला है। आज क्रिकेट के ऊपर वीडियो नहीं लाए, आज लाए हैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, और आई होप आपको पसंद आएगी। तो आज का जो ब्लॉग है हमारा रहने वाला भाई 15 अगस्त के ऊपर। तो आप जानते ही जैसे दिल्ली में रहते हैं जो भी बंदे, तो जब भी 15 अगस्त आता है तो भाई पतंगों की आवाज़ ज़रूर आती है। दिल्ली में पतंगें बहुत उड़ती हैं, तो आज हम लेने जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया मंजे और पतंग। आप लोगों को दिखाएंगे भाई हम कहाँ से लेने जा रहे हैं और ओरिजिनल मांझे कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले बात बता दूं भाई, हम कोई लाल कुआ नहीं जा रहे, जो चांदनी चौक के पास पड़ता है। तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा रिपीट कस्टमर आए हैं अभी आगे, जैसे मैं आ रखा हूँ, देखिए ना चरखड़ी ली है, इजाज वेब की बरेली ड्रैगन। भैया पहले कौन सा ले गए थे आप? निंजा थर्ड जी। निंजा कैसा निकला वो? अच्छा था वो, बढ़िया। और ये भैया भी आए हैं, भैया पहले कौन सा ले गए थे? पहले मैं ले गया था सिराजुद्दीन का काला सोना 84 साल। अच्छा, थोड़ा तेज बोले भैया। सिराजुद्दीन का काला सोना कैसा निकला भैया? बढ़िया निकला, बढ़िया। चलो इस बार आए वापस, मैं भी वापस आया हूँ भैया, और मेरा भी यूट्यूब चैनल है जी, मैं क्रिकेट को कवर करता हूँ। आगे हम विशाल काइट सेंटर में, और हमारे सामने है विशाल भैया। और मैं आपको दोस्तों जेन्युइनली बताऊं, मैं प्रीवियस ईयर आया था 2 साल पहले, और भैया से लेके गया था मैं काला सोना। मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा था उस टाइम भैया मैंने आपसे। हाँ, और मतलब कि मैं ले गया था, मेरे को ये नहीं होता था कैसा परफॉर्म करेगा, पतंग तो हमें उड़ानी आती थी, पर भैया जेन्युइनली उसने क्या परफॉर्मेंस दी थी। हम और डिपेंड करता है उड़ाने वाले की स्किल्स के ऊपर भी, एक्चुअली। और भैया मैं सच बता रहा हूँ, एक एक पतंग से हमने खैच मार मार के, और ढील से भी, मतलब दोनों से लड़ाए थे, जैसे पेच लड़ जाए। हाँ, मतलब 15 का रिकॉर्ड था भैया 15 अगस्त पे। अरे वाह, दोनों डेट देख लो सिमिलर है, और पेच भी सिमिलर है। आने में ही माहिर हैं, तो आज जो भैया बहुत मुश्किल होते हैं 15 अगस्त को, मतलब इतने पेच काटने, क्योंकि पतंगे बहुत उड़ती हैं, क्योंकि आप पतंग उड़ाएंगे तो फंस जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं पिछले साल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे जो बड़े भैया वो रहते हैं यूएस में, उनको बहुत शौक है, उन्होंने मेरे को पतंग उड़ाना सिखाया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हाँ, तो मेरा शौक बचपन से है भैया। और मैं पर्सनली बताऊँ, मेरा जो हाईएस्ट है ना, 13 या 14 साल का था मैं, मैंने मतलब 15 अगस्त को नहीं, नॉर्मल डेज होते पहले तो भैया 2-2 महीने पहले पतंग उड़नी शुरू आती थी दिल्ली में, पर आज का वो टाइम नहीं है कि, हाँ, सबके पास भैया टाइम कम हो गया जब से मोबाइल आए हैं। तो उस टाइम भैया मेरा हाईएस्ट है 26 पतंग का, मैंने अपने दोस्त को भी गिनवा रखे हैं साथ साथ खड़े हो गए कि भाई इतने पेच कट गए, और पतंग भैया ने उतारी थी, कटी नहीं थी मेरी। अच्छा, हाँ जी, तब मैं 13-14 साल का था, पर मैं अपना रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ पाया भैया। अच्छा, क्योंकि अब वो टाइम भी नहीं है कि हम 2-2 महीने पहले उड़ाना शुरू करें, अब उड़ाते हैं भैया सिर्फ 15 अगस्त को अपना शौक पूरा करने के लिए। तो जैसा कि मेरा क्रिकेट का भी चैनल है भैया, आप सब्सक्राइब भी करना, और मैं आपके थ्रू आया था आपका यूट्यूब चैनल देख के, इस बार भी यूट्यूब का चैनल देखा भैया, मजा आ गया। जो जो आप मंजे लेके आए हो ना, एक नंबर का मजा आ गया, मतलब कंफ्यूजन कर दिया। और मैंने जो मंजा बुक करा है, मैंने आपको 4 दिन पहले पेमेंट डाल दी थी जी, बिल्कुल ठीक है, पर मैं मेरे अंदर इतना मतलब शांति नहीं हुई थी कि मतलब मैं, मेरा जो था कि मैंने सोचा था कि घर मंगा लूंगा पोर्टर करके जी, जी, जी। पर अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना कि नहीं यार, जो भैया ने मंजे दिखाया ना, एक बार वो टेस्ट करके आता हूँ, देख के आता हूँ कि कैसा है। हाँ जी, हाँ जी, मंगाने को भैया मैं भी पोर्टर से मंगा सकता था, और क्योंकि दिल्ली में अभी हम दिल्ली में रहते हैं, चलो मंगाया आधे घंटे में पोर्टर से आ गया, पर क्यूरियोसिटी इतनी थी आपसे मिलने की भी कि यहाँ पे एक तो भैया जेन्युइन माल मिलता है, कोई वो डुप्लीकेसी का है नहीं। तो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ इस बात पे कि जेन्युइनिटी की गारंटी है, और गारंटी ऐसे है कि रैपर पे हर मांझे वाले का नंबर लिखा है, आप यहाँ आते हैं मेरे सामने उनको कॉल लगा सकते हैं, वीडियो कॉल लगा सकते हैं। अगर आप दूर बैठे हैं किसी मांझे वाले, जो मांझा आपने लेना है, मेरे से नंबर ले लीजिए उनका, आप मेरे बारे में पहले पूछ लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए, और आइए, 100% जेन्युइन और पूरी डोगरी गारंटी है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, पिछली बार मैं जब मैं पिछली बार आया था तो मैं सबसे बेसिक मंजा लेके गया था भैया से, पर वो भी स्टार्टिंग रेंज का, तो मेरे को थोड़ा डाउट था कि यार स्टार्टिंग रेंज क्या परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पर भैया उसने बवाल काट दिया था पूरा। और इस बार मैंने सोचा है कि थोड़ा और अच्छा लेके जाऊं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, 200-400 की बात नहीं है, देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों आइए, भैया के पूरा स्टॉक भरा हुआ है, देखिए भैया ने क्या अच्छी पतंग भी बना रखी है डिजाइनिंग करके, और सारा माल मिल जाएगा आपको जेन्युइन। तो मैं ऐसे किसी का ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं अपने चैनल पे ब्लॉग। तो काइट्स मिल जाएंगी भैया के पास, लिमिटेड स्टॉक आता है, काफ़ी मंजे अभी निकल भी चुके हैं मैं आपको बता दूँ। और देखिए क्या बेहतरीन पे बेहतरीन चरखड़ी है, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मैंने कौन सा चरखा लिया है। देखिए भैया ने कुछ मांझे रखे हैं यहाँ पर, तो भैया कुछ बता पाएंगे अपने मांझों के बारे में? आप देख सकते हैं भाई, ये सबसे ऊपर जो मोस्ट प्रीमियम मांझा है, जो आजकल बिल्कुल ट्रेंडिंग मांझा में नाम है, बरेली ड्रैगन हमारे फरीद भाई का है, आप ये देख सकते हैं बरेली ड्रैगन, ये 6 रील में है आपका, 8400 थ्रेड में, इसका जो प्राइस है वो 2500 रुपए।
इसके बाद हम आते हैं थोड़ा नीचे तो ये आपका निंजा आ जाता है। निंजा आपका अश्विनी भाई का है, आप सब जानते होंगे, बहुत पॉपुलर वांजा है ये भी, बहुत बढ़िया काम करता है, फंसा के खींच के दोनों में बहुत बढ़िया काम करता है। इसका प्राइस है 1650 1650 रुपये। निंजा के थोड़ा ऊपर हम आते हैं तो ये हमारा हसीन भाई का मांजा आ जाता है, हसीन लल्ला देख सकते हैं आप, विनर 2021-22, ये शिकारी नंबर वन, ये सब जानते ही हैं जो उड़ाने वाले लोग हैं, जो नहीं भी जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया डोर है, बीकानेरी चरखी पे लगा हुआ है। ये सब 6 रील के चरखे मैं आपको दिखा रहा हूँ। AMR शिकारी नंबर वन, ये भी 8400 रुपये, इसका जो प्राइस होने वाला है वो है 1900 रुपये। ओके ओके, ठीक है जी। बीकानेरी चरखी पे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक डोर हैं ये, और हैं सभी 6 कॉर्ड 8400 है हमारे। ओके ओके, इसके बाद हम आते हैं सरताज अरमान पे। ये मेरे जो स्टार्टिंग हो जाती है ये सरताज अरमान से हो जाती है, जो शुरुआती डोर है, डबल कोट में रहने वाली है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट चरखी है, आर पार की चरखी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। इसका प्राइस होने वाला है भाई साहब इस टाइम 1350 रुपये, ठीक है। अब आते हैं हम अगले डोर पे, जीडी राजू, इनका भी सभी जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये भी डबल कोट पे, ये भी ट्रांसपेरेंट चरखे पे है, ठीक है, डबल कोट की डोर है। इसका प्राइस है 1350 रुपये। तो ये सब 6 रील के। इसके अलावा मेरे पास अभी स्टॉक आउट है, इसके अलावा भी आपको हंटर नंबर वन मिल जाएगा बशीर बेग का, जो कि वो भी प्रीमियम कैटेगरी की डोर है, बहुत ज़बरदस्त डोर है, वो भी 6 रील में मिल जाएगा आपको। उसका भी प्राइस 2300 रुपये का है, तो वो भी आप अगर प्रीमियम में जाना चाहते हैं, ड्रैगन हो गया, लाइन हो गया, तो उस कैटेगरी में मांझा आ जाता है। इसके अलावा और मांझे हैं, जैसे मेरा अपना ब्रांड है बिग बिन स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, उसका अभी फिलहाल जो रेट है वो है 1400 रुपये 6 रील पे, वो भी बहुत बढ़िया डोर है लड़ने में, वो भी 8400 की डोर है डबल कोट की। इसके अलावा कुछ और मांझे भी अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे हसीन लल्ला का शुरुआती लॉग आता है वो भी 1300 रुपये से शुरू हो जाता है। तो ये सब मांझे मेरे पास आपको मिल जाएंगे और सारे मांझे ब्रांडेड होंगे, चाहे आप स्टार्टिंग वाला लीजिए, चाहे मिड रेंज वाला लीजिए, चाहे अपर रेंज या प्रीमियम रेंज वाला लीजिए, सारे परफॉर्म करेंगे मांझे, लेकिन जैसे आपकी रेंज है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। बाकी उड़ाने की स्किल्स भी बिल्कुल, बाकी फिर आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप खींच से लड़ाते हैं, डीप से लड़ाते हैं, कैसे लड़ाते हैं, बिल्कुल स्टार्टर हैं आप या मीडिएटर हैं या बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। तो दोस्तों भैया का YouTube चैनल भी है विशाल काइट सेंटर के नाम से, आप YouTube पे जाइए और भैया का चैनल भी सब्सक्राइब करिए, पूरी डिटेल आपको वहाँ भी मिल जाएगी, जो मैं आपको नहीं बता सकता अभी वो भैया आपको अच्छी तरह और एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पर। हाँ जी, विशाल काइट फ्लाइंग ऑफिशियल। ओके ओके, शॉप का नाम है विशाल काइट सेंटर। ओके ओके ओके, चैनल का नाम है विशाल काइट फ्लाइंग ऑफिशियल, आप जाइए वीडियोस देखिए, वीडियोस चेक करिए, उसके बाद यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आइए और आपको सारी चीजें जनरल मिलेंगी। दोस्तों भैया की जेनुइन टेप, मतलब मैं भी बोल सकता हूँ कि जेनुइन बंदे हैं और मैं श्योरिटी ले सकता हूँ भैया की। और बताओ, थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों मैं जाता था पहले लाल कुआं लेने जो कि फेमस है। हाँ जी भैया, क्या बताऊँ आपको, क्या मंजे लेके आता था वहां से, क्या मेरी पतंगे कटती थी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, अपने पे डाउट होता था कि पतंग उड़ानी आती भी है नहीं आती, तो बहुत मन खराब होता था भैया मेरा वहां के। मैं सच बताऊँ बहुत ही 100 में से एक आधा बंदा ठीक होगा जी, जी, जी। पर अब हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते इतना कि वो प्रोडक्ट वहाँ आपको कमी मिलेगा, और क्वालिटी अगर आपको लेनी है तो फिर कुछ और भी हैं दिल्ली में, कुछ ही लोग हैं जो क्वालिटी रखते हैं, जो ब्रांड रखते हैं, और सबसे ऊपर उसके बाद आती है कि वो गारंटी लेते हैं कि ब्रांड तो सब रख लेते हैं लेकिन उसके ऊपर गारंटी भी होनी चाहिए कि हाँ 100% जेन्युइन चीज बेच रहे हो, डायरेक्ट मेकर से ले रहे हो और उसके प्राइस भी आपके जेन्युइन। तो दोस्तों ब्लॉग आज का यही खत्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और भैया ने टाइम दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भैया का। भैया बस ये क्रेज है हमारा, जो शौक है ना। हाँ जी, हाँ जी, आते रहेंगे भैया, हर साल आएंगे, हर साल एक ब्लॉग जरूर बनाएंगे आपके साथ। धन्यवाद भैया बहुत बहुत, और बाकी पूरी डिटेल्स नंबर आपको मैं चैनल पे शेयर कर दूंगा और भैया का भी चैनल पे, आप वहां से भी नंबर निकाल सकते हैं, बाकी कॉल कर लेना। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है भैया की, और मौसम कैसा भी हो जाए, सर्दी में पतंग उड़ती हो, मकर संक्रांति पे, मतलब जब भी उड़ती हो वैसा मंजा भैया प्रोवाइड करते हैं मौसम के हिसाब से, जरूरी नहीं है ये सारे मंजे, मतलब ये इसी मौसम के 15 अगस्त के दिल्ली के हिसाब से हैं, बाकी कलर वगैरह सब चीज भैया प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, वर्ल्ड में भी कर देंगे। और बताओ, मेरा एक्चुअली इंडिया के बाहर UK US कनाडा एंड UAE ये तीनों चारों जो जगह हैं वो चारों जगह मेरा स्टॉक जाता है, और मेरे जो हैं वो परमानेंट कस्टमर्स हैं, वहाँ से रेगुलर मेरा ऑर्डर रहता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी मोटी डोरें उड़ती हैं, वो सारी चीजें मैं बनवाता हूँ, वो 12 महीने का। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो भैया आपको वैसी डोर दे देंगे, कहने की बात ही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच।